नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्त, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने कल के लिए मतलब 6 मई 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा और ये वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोग को नोटिफिकेशन में आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने जो बाई सेल लेवल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, बाई सेल लेवल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और 100 डे स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारा बाई सेल लेवल्स दिखाता हूँ, वो भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने रेगुलर बेसिस पर लाइव डेमो दिखाता हूँ, लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी पेयर ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आप लोग को मेरा जो बाई सेल लेवल्स है उसमें कैलकुलेट करके उसको अपडेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो वो भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जांच कर सकता है कितना एक्यूरेसी के साथ काम करता है, बहुत दिन से ये मैंने दे रहा हूँ आप लोग को, पिछले वाला वीडियोस चेक कर सकता है। मेरा जो और भी जो मैंने हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन ये सब वीडियो भी अब और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियोस है, चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, बहुत सारा एडुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस है। कोई भी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स आप लोग अपना के मार्केट में आसानी से प्रॉफिट कर सकता है, बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। और मेरा भी बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा हूँ, सो ये मैंने गन का हाउ टू प्रिडिक्ट मार्केट डायरेक्शन विथ डायनामिक गन लेवल्स पावर ऑफ गन एंगल्स ये सब और पिछले वाला जो वीडियोस है बहुत सारा चार्ट का सेटअप सच एज सुपर ट्रेंड वाला जो स्ट्रैटेजीज है, उसके बाद BWAP AKNASI हाउ टू प्रिडिक्ट हाउ टू कैलकुलेट फिबोनाची एंड पिवट पॉइंट ऑप्शन चेन हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स ये सब आप लोग मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का लिंक्स दिया हुआ और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स है फाइल डाउनलोड करने का और अकाउंट ओपन करने का, वो सब लिंक आप लोग जरूर चेक कीजिए, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा ही होने वाला है। और मैं जो बाइसल सिक नाम का स्किनर बना है उसी का तो मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, उसको कैसे स्क्रीनिंग करना है और इसमें क्या क्या है वो भी आप लोग को देखने के, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा। तो देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, निफ्टी का एक मिनट, इसमें मैंने ओपन किया हूँ इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें क्लिक किया था इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो डेली चार्ट मैंने ओपन किया हूँ तो इसमें ये डेली चार्ट मैं ओपन किया हूँ और ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है, डेली चार्ट में ओपन किया हूँ। पहले मैंने कैंडलस्टिक चार्ट जो बना है इसका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न उसका पहले मैंने डिस्कस करूँगा। ये थोड़ा सा मतलब ऊपर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, देखिए ये दो दिन से लगातार दोनों स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है और लोअर लो बना है, ठीक है। अगला दिन इधर से जो गैप डाउन हुआ था इधर से भी ये लोअर हाई लगातार तीन दिन से ये लोअर हाई लोअर लोज भी बन के रहा है आ रहा है, ठीक है। इस लेवल पे इसका सपोर्ट है, इस लेवल का नीचे ये इतना दूर तक चला आ सकता है, 8950 का लेवल पे चला आ सकता है, ठीक है। और ये जो कैंडल्स पैटर्न है थोड़ा सा हल्का सा कैंडल मतलब वीक्स है, ये वीक्स थोड़ा सा ऊपर वाला बोचे वाला वीक्स बहुत ही हल्का वीक्स दिखा रहा है, ठीक है। तो और ये जो चैनल है अभी तक मैंने छोटा करने से आप लोगों को और भी देखने से ट्रेंड पकड़ने से सुविधा हो जाएगा, ट्रेंड देखने से मतलब है ये जो चैनल है ये अभी तक आप ट्रेंड में दिखा रहा है, ये जो चैनल दिया है ये जो ये मैंने तो इसको ड्रॉ किया है और जो चैनल ऑलरेडी मेरा इंडिकेटर में लगा हुआ है इसमें नेट में थोड़ा सा तो ये आप लोग को क्लियरली अप ट्रेंड में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका ब्रेकआउट थोड़ा सा मतलब होने वाला, ऑलरेडी इधर से इसका ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब ये जो
इस ये जो रिग्रेशन लाइन है, ये जो रिग्रेशन लाइन है इसका ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है, और एक कैंडल काल का एक कैंडल बना नीचे बनाएगा तो इसका कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, क्लियरली हो जाएगा। ये जो मतलब इसका जो रिग्रेशन लाइन है ये मतलब टू स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका है, तो इधर से मैंने ड्रॉ किया है ऊपर तक, ठीक है। तो इसका जो क्लियरली जो दिखा रहा है कि इसका ब्रेकआउट इधर से हो गया है, और ऊपर से नीचे भी मैंने ड्रॉ किया हूँ, तो इधर का जो ये भी इसका जो नीचे आएगा, और इसका जो नीचे ये जो जंक्शन है, इसका जो क्रॉस, ये दोनों को जो क्रॉस हुआ है, इसका जब ये जब ये इस एरिया को जब ब्रेक करेगा, मतलब ये जो सोच लीजिए ये 9158 मतलब 9150 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसका जब ब्रेक हो जाएगा तो इसका नीचे नीचे ट्रेंड का आने का, नीचे ट्रेंड चालू होने का स्ट्रॉन्ग चांस है नीचे का ट्रेंड। और मैंने जो बोला था कि इसमें देखिए 2008 से जो पाँचों वेव में ऊपर गया था, उसके बाद वेव ये करेक्शन वेव है, उसके बाद ये वेव भी चला था, उसके बाद शायद ये वेव मैंने अभी तक मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि ये वेव फाइव का इसका हो सकता है, वेव फाइव और भी ऊपर तक सस्टेन कर सकता है, लेकिन सॉरी वेव भी और भी ऊपर तक सस्टेन कर, लेकिन वेव सी चालू होने का हाई प्रोबेबिलिटी है, और कल भी इसका एक बियरिश कैंडल बनेगा तो इसका वेव सी चालू हो जाने की जगह प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो इंडिकेटर्स वगैरह है इसमें अभी तक इसका जो ये जो ग्रीन लाइन आप लोग दिख रहा है इसका नीचे अभी तक ऊपर ये ऊपर गया है, ठीक है। ये अभी तक इसका ट्रेंड मैंने तो बोलूँगा अभी तक इसका अप ट्रेंड में है, लेकिन इसका नीचे वाला ये ऊपर ये जो कुछ मतलब ट्रेंड लाइंस है, मतलब ये मूविंग एवरेज वाला है, ठीक है। ट्रेंड लाइंस मैंने इसको ट्रेंड लाइंस ही बोलता हूँ, तो इसमें ट्रेंड लाइंस ही बोलता हूँ मतलब फिलहाल एनालिसिस के टाइम बोलता हूँ, ये मूविंग एवरेज वाला है, तो ये जो है इसका नीचे इसका ब्रेक हो चुका है, तो इसका कुछ ना कुछ नीचे जरूर आना चाहिए इसका, ठीक है। ये और ये जो मेन ट्रेंड लाइन ये जो ट्रेंड लाइन गया है इसका भी ऑलरेडी ये जो ब्लू लाइन है ये भी ब्रेक हो चुका है, और ये जो ग्रीन लाइन है इसका ब्रेक अभी तक हो नहीं है, तो ये हो जाएगा तो इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई बनता है, ठीक है। तो इस आप लोग को डेली चार्ट में भी देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग ट्रेनिंग लेंगे तो आप लोग को उसमें भी आप लोग को ये सब चीज़ देखने के लिए आप लोग को मतलब चार्ट का सेटअप मेरा बाय सेल लेवल कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मेरा लाइव डेमो देखिए उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कैसे, और जो बाय सेल लेवल्स का वीडियो रेगुलर बेसिस पे देता हूँ उसका भी आप लोग को पता चल जाएगा कैसे ये काम करता है। और इसमें जो मल्टीपल कैंडलस्टिक में ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न ये इधर से आया है, इधर से ये इसका ऊपर मतलब ऊपर जाने ऊपर गया था, लेकिन इसका नीचे फ्लैग पैटर्न का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इधर से नीचे आ जाएगा, तो इसका नीचे ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी बनता है फ्लैग पैटर्न का, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलता है। ये सभी प्राइस एक्शन बेसिस पे मैंने ये सब पैटर्न्स वगैरह का बात जो बोलता हूँ तो सभी प्राइस एक्शन का है। मेरा नेट फिर से चला जाएगा, हो सकता है चला जाए। ये जो ग्रीन लाइन है इसका नीचे आने वाला मतलब इसका जो लेवल है मतलब इसीलिए मैंने बोलता हूँ 9150 का लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसका मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को बता देता हूँ, 9195 में इसका सपोर्ट है, ये जो 9200 के मतलब 9200 का नीचे क्लोजिंग देता था, इसका बहुत ही नीचे जाने वाला था। मैंने जब लाइव डेमो दिखा रहा था उस टाइम ऑप्शन चेन को भी देख के मैंने बताया था आप लोग को 19300 का नीचे बैंक निफ्टी गया था, उसके बाद मैंने बोला था कि 100 पॉइंट नीचे जाने वाला है, वो भी नीचे गया था, ठीक है। तो उसमें ये लेकिन 9000 ये बैंक निफ्टी 19300 का नीचे क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये क्लोजिंग 9200 के नीचे दे नहीं पाया है, तो इसमें क्लोजिंग देता तो और भी क्लियर व्यू आ जाता था, तो ठीक है। फिलहाल इसका 9195 इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट सपोर्ट है, उसके बाद 9098 उसके बाद 82 मतलब इसका तो मैंने 9150 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9150 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद
इसके बाद 9098, उसके बाद 8929 का लेवल, उसके बाद ये जो लेवल्स है 8830 या 8829 और 8330 से 8820 तक आप लोग 8815 तक पकड़ सकता है। ये वाला जो लेवल्स है एक्चुअली इसका वैल्यू इधर है 8821 का है, ठीक है। तो इसका ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके बाद इसका लेवल्स ऐसे करके आएगा, तो मैंने सभी तो नहीं अभी बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। 8686 87 मैंने आप लोग को बाय सेल लेवल्स भी दिखा दूंगा, 8544 लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का, 8548421 इसके बाद 8285। तो फिलहाल इसका इतना बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर वाला जो लेवल्स बनता है इसका 9364 में इसका पिवट पॉइंट है, उसके बाद 9462 ये थोड़ा सा दिख रहा है, 9462 का लेवल्स है इसका, 9462 या हाँ ये वाला जो लेवल्स है 9462 वाला लेवल, इसके बाद 9631 9728, इसके बाद ये वाला लेवल जो है उस वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट लेवल है। 9889 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका 9889 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। तो और इसका जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है इसका जो लॉन्ग टर्म का जो लेवल्स दिख रहा है इधर 8425 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा, 9251 के ऊपर, तो ऊपर इसका तो 9251 के ऊपर ये जाएगा तो थोड़ा सा अप ट्रेंड आ सकता है इसका, 9832 तक आ सकता है। लेकिन 9251 का लेवल्स इसका जो लॉन्ग टर्म का है एक्चुअली मैंने 12430 से 7511 तक, तो इसका बीच वाला लेवल्स भी आप लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, उधर से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर नीचे भी आ सकता है। इसके बाद 9832 मैंने जस्ट लॉन्ग टर्म का लेवल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसके बाद 10412 और इसके बाद 11131, ठीक है। नीचे वाला जो लेवल्स है 8425 का नीचे 8372, उसके बाद 6074, ये सब लेवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ, बैंक निफ्टी का लेवल्स, बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में इधर देखिए इसका जो रिग्रेशन लाइन है, ये जो मैंने रिग्रेशन लाइन इधर से ड्रॉ किया था, तो इसका देखिए ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इसका 18703 में इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न का जो मैंने बोलूँगा, तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो जितना वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, सॉरी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल लगातार तीन दिन से ये लोअर हाई लोअर लोस बन के आ रहा है, ठीक है। लोअर हाई एंड लोअर लोस बन के आ रहा है। तो इसमें इधर 271 में इसका क्लोजिंग दिया है, इसका नीचे इसका जो सपोर्ट दिख रहा है 19414 का नीचे तो इसका क्लोजिंग हुआ है, 19085 में इसका सपोर्ट दिख रहा है, इधर 19085 में इसका एक सपोर्ट दिख रहा है 19085 में। उसके बाद ये आ जाएगा इसका लेवल्स है 19113, उसके बाद ये नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है,
तो इधर देखिए, यहाँ हाँ नेट तो आ गया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ। 19,000 एक्चुअली बीच बीच में आता है, क्या करें, नेट का प्रॉब्लम होता है। तो 19,085, उसके बाद 18,527, उसके बाद 18,703, सॉरी 18,503, उसके बाद 703, उसके बाद 18,527, उसके बाद इसका जो छोटा छोटा जो लेवल्स है, उसके बाद इसका मेन लेवल बनेगा 15,439 में, और उसके बाद 19,414 में इसका रेजिस्टेंस बनेगा 19,972, ये 20,559, 21,541 इसका रेजिस्टेंस बनेगा। और जो ये बनेगा, मतलब इसका देखिए, इसका ट्रेंड लाइन, इसका तो ये लाइन तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, इसका नीचे ब्रेकआउट हो चुका है। और इधर और बैंक निफ्टी, मैंने कल भी बोला था, बैंक निफ्टी ये टोटल मार्केट डायरेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, प्ले करता है और प्ले कर रहा है अभी। और इधर और फिलहाल कैसे इसका फंडामेंटल रीजन भी क्या है, वो भी डिस्कस किया था। तो इधर जो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका अभी भी कॉन्फर्मेशन बाकी है, इसका नीचे क्लोजिंग तो थोड़ा सा दिख रहा है इसका नीचे, लेकिन इसका और भी एक कॉन्फर्मेशन मिलने वाला है। तो ये बहुत ही, और ऊपर वाला जो लेवल्स था इसका नीचे आ चुका है, और इधर से जो उसका भी ये अभी भी ट्रेंड ऊपर दिख रहा है, इसका जो मेन छपी ऊपर दिक्स का अभी भी ऊपर दिख रहा है, लेकिन इसका नीचे ये जो ग्रीन लाइन है, वो बैंक निफ्टी का भी जो दिखा था ग्रीन लाइन है, वो जो 9,158 और उसके बाद 9,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी का। तो उसका लेवल जो ब्रेक कर है, ये भी घूम जाएगा। तो मेरा पिछले वाला वीडियोस एक महीना का पहले या 20 डेज 25 डेज का पहले जो निफ्टी बैंक निफ्टी डायरेक्शन जब चार्ट देखेंगे आप लोग, तो देख सकते थे इधर ऐसे नीचे वह था ये जो चैनल। तो इसका इधर से 18,703 का ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, इसका जो ये जो जंक्शन जो है, इसका जो क्रॉसिंग का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, और भी चीज़ डिस्कस करना कर रहा हूँ, कैसा हो सकता है मेरा, आप लोग कुछ बन के रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग को इधर से बहुत कुछ एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस बहुत कुछ मिल सकता है, और आप लोग इसमें आप लोग को ट्रेडिंग में भी बहुत ही फ़ायदा आ जाएगा। इसके बाद मैंने बाई सेल लेवल्स दिखा के भी आप लोगों को एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करूँगा। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये जो इंडिया विक्स है, तो इंडिया विक्स आप लोग को एक देख सकता है क्लियरली एक वी पैटर्न बना है, और वी पैटर्न जो बना है इसका फिर से ये देखिए ब्रेकआउट बन गया है। ठीक है, इंडिया विक्स का जो ये चार्ट है, ये क्लियरली एक डेली चार्ट में क्लियरली एक वी पैटर्न बना था, उसके बाद इसका फिर से ऊपर ब्रेकआउट दिया है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो इसका बना है, इसका पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मतलब ये जो ऊपर वाला देख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये बीआरएस होके थोड़ा सा मतलब क्लोजिंग दिया है मैंने, इट हैज जस्ट मैनेज टू क्लोज बीआरएस, बट इट इफ सम पॉइंट इफ इट हैड इट बीन क्लोज अबव सम पॉइंट्स, इट वुड बी ग्रीन एंड इट वुड बी बुलिश, एंड देयर वुड बी अ वेरी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप द इंडिया विक्स। तो एंड इफ इंडिया विक्स विल गो अप, देन देयर विल बी हाई वोलेटिलिटी एंड देयर विल बी हाई फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, एंड देयर विल बी ए स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ओके दोस्तों, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का भी मैंने दिखाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का। और इसका देखिए, इसमें जो ये इसका भी एक पैटर्न बना है, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, और इधर भी इसका जो 9,200 का जो लेवल है, ठीक है, 9,200 का जो लेवल्स है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है।
इसके बाद 9100 ये जो 9188 उसके बाद ये नीचे वाला ट्रेंड में आता है। ये जो प्रोफाइल्स है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल का है, इसके सपोर्ट जो ये मतलब सेलिंग का जोन है, और ये ऊपर वाला लेवल्स ये बाइंग का जोन, इसका ऊपर में जब जाएगा इस लेवल पे 9460 या 9450 के ऊपर ये थोड़ा सा आप मूवमेंट दिखा सकता है, 9500 या 9600 तक इसका आप मूवमेंट देख सकता है। और बैंक निफ्टी का भी ऐसे पैटर्न, ये जो पैटर्न बना है ये भी इसका एक ब्रेकआउट दिख रहा है, और इधर का ये भी इसका जो क्लोजिंग देगा तो 19,000 का नीचे, इसका 19,096 एक्चुअली 19,085 का नीचे इसका क्लोजिंग आ जाएगा, तो इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा बनता है। 18,500 या 18,500 इसका ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, उसके बाद 18,500 भी आ सकता है, सॉरी 18,000 भी आ सकता है, उसके बाद 20,100 के ऊपर इसका ऊपर का लेवल बन सकता है, 20,000 के ऊपर ये 20,590 तक ये जा सकता है, उसके बाद इस लेवल पे आ सकता है, मतलब 21,100 का लेवल में आ सकता है, उसके बाद इधर थोड़ा सा 21,278 इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद ये 21,825-25 तक जा सकता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। और इधर का जो मतलब ये जो पीसीआर रेशियो है इसका 0., पहले मैंने थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसमें ऑप्शन चेन का डाटा में फिर से डाटा करेक्ट हो गया, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था उस टाइम। एनीवे तो इधर पीसीआर रेशियो 0.66 या 0.63 ऐसा कुछ है, और इधर 9,500 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, एक्चुअली बहुत सारा लेवल पे इधर भी ओपन इंटरेस्ट है, 9,300 का लेवल में, उसके बाद 9,400, उसके बाद 9,500, 9,600, इधर सब लेवल्स बन के रहा है। इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 10,000 में इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, 9,800 में इसका सॉरी रेजिस्टेंस है, 9,800 10,000 में इसका रेजिस्टेंस है, 9,600 में इसका रेजिस्टेंस है, 9,700 में रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल जो दिख रहा है इसका सबसे ज़्यादा मतलब चेंज दिखा रहा है, इधर तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 570 है, ये 9,300 ये नज़दीक दिखा रहा है, तो लेकिन इधर 510 या 667 जो 9,400 का लेवल है, इधर मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है चेंज इन ओपन, तो इसको पकड़ना चाहिए 9,400, तो लेकिन इधर मैंने 9,500 को पकड़ा हूँ, इधर ओपन टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9,400 में इसका बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिलेगा। और इधर 9,000 में इसका बनता है, उसके बाद 8,500 का लेवल उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 8,700 का लेवल, उसके बाद 8,800 का लेवल या 8,900 8,000 का लेवल, 8,700 का लेवल इसका सपोर्ट का लेवल इंपॉर्टेंट बनेगा। और दोनों साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, कॉल साइड में भी शॉर्टिंग हो रहा है, पुट साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन कॉल साइड का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू पुट साइड, और इधर कंपेयर टू पुट साइड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है। पीसीआर रेशियो प्राइस गिर चुका है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ गया है, तो जिस साइड में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा आएगा इस कंडीशन इस सिचुएशन में इस सिनेरियो में, तो ये जो तीन चार कॉन्स्टेंट्स है मतलब वेरिएबल्स है सॉरी मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आईवी पीसीआर रेशियो, तो देखिए पीसीआर रेशियो गिर चुका है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बढ़ा है, और प्राइस गिर रहा है, और आई भी बढ़ चुका है, तो इसमें क्लियरली एक डाउन डाउन मूवमेंट डाउन ट्रेंड का इंडिकेट कर रहा है। और इधर 7 मई का मैंने आता है तो प्रॉब्लम आता है तो क्या
इसका 7 मई का मैंने देख रहा हूँ। मैंने और भी एक्सपायरी का जो और पर्टिकुलरली जो मंथ एंड का एक्सपायरी है वो भी दिखाऊंगा, तो इसमें से आप लोग को क्लियरली एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि इसमें कहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है और मूवमेंट भी कहाँ पर, इसका मूवमेंट भी कहाँ कौन सा दिशा में हो सकता है। इधर देखिए, इधर भी 14 में भी 9000 में इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और इधर 9400, 9300, 9400 में, इसके बाद 9500 में और इसके बाद 9700 में इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद इधर भी कॉल साइड में मतलब पुट साइड में कॉल साइड में शॉर्टिंग हो रहा है और पुट साइड का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस में थोड़ा सा इधर अभी तक शॉर्टिंग दिख रहा है, लेकिन और फादर मतलब एक्सपायरी में जो जाऊंगा तो देखेंगे उस पर थोड़ा सा क्या हो रहा है दिख रहा है। इधर देखिए, इधर अभी 8500 में, इधर इधर 8500 में और इधर 9000 में स्टील इधर थोड़ा सा हल्का सा मतलब शॉर्टिंग दिख रहा है, लेकिन इधर का शॉर्टिंग जो दिख रहा है 9400 में या 10000 में, इसका शॉर्टिंग मतलब कॉल साइड में ज़्यादा हो रहा है। और वन टेंट का जो एक्सपायरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहता है, ऑप्शन चेन का, तो इसका देखिए इधर भी इधर 9500 में बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना है, इधर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना है, उसके बाद इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है और इधर 9000 में उसके बाद बहुत ही और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो इसका इंडिकेट कर रहा है इधर आई वी, इधर का आई वी तो से लेकिन लस से लेकिन लॉन्ग बिल्ड इधर ये माइंड में रखना चाहिए, ये इधर आई वी ज़्यादा है लेकिन लॉन्ग बिल्डअप है पुट साइड में, तो इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है कि नीचे जाएगा, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। इन वेरी शॉर्ट टर्म हो सकता है कुछ साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है, वो भी नीचे डस्टिक डस्टिक मूवमेंट ज़्यादा डस्टिक मूवमेंट नहीं आ सकता है, लेकिन जो इंडिया वीक्स का जो अभी भी स्थिति है तो इसका इंडिया वीक्स थोड़ा सा 50 का ऊपर फिर से चला जाएगा तो ये मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आने का आप आने के लिए तो यह रहना चाहिए। तो इधर देखिए, इधर 20000 में इसका 20000 में इसका बैंक निफ्टी का सपोर्ट बना है, इसका पीसीआर रेशियो कुछ 50 का आसपास आ गया है, 50-53 होगा और इधर 20000 में इसका सपोर्ट बना है, रेजिस्टेंस बना है और 19000 में इसका सपोर्ट बना है, 19000 में इसका सपोर्ट बना है पुट साइड में, दोनों साइड में शॉर्टिंग हो रहा है लेकिन पुट साइड का इधर कॉल साइड का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब शॉर्टिंग होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, मतलब जब गिरेगा तो कॉल का शॉर्टिंग होगा बहुत फास्ट होगा, लेकिन पुट का शॉर्टिंग जब होगा वहाँ पर ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा धीरे ऊपर जाएगा। इसका भी लॉन्ग टर्म में ऐसा ही सिचुएशन है, मैंने इसका ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए एकदम वन टेंट का दिखाता हूँ, 18500 में और 19000 में इसका रेजिस्टेंस है, इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, इधर 20000 में, इसके बाद 20500 में सब इम्पोर्टेंट शॉप रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, 22000 में, 22500 में, तो मंथ एंड का देखने से और भी क्लियर पिक्चर आता है। आप लोग देख सकते हैं एक्टिविटी ज़्यादा चलता है, इधर ऑप्शन चेन का डाटा भी फिलअप होता है और जो मंथ होता है और जो मंथ एंड का होता है बीच में थोड़ा सा एक्टिविटी कम होता है। आप लोग ऑप्शन चेन का डाटा देखिए ये सब भरा हुआ है जो, लेकिन इधर जो 14 मतलब 20 वाला जो है उसका डाटा इतना आता नहीं है, मतलब इतना एक्टिविटी इतना नहीं होता है। तो इधर देखिए 20000 में इसका भी सपोर्ट बनता है, उसके बाद 20500 में इसका, 20000 21000 में, उसके बाद 21000 में, उसके बाद 21500 में इसका रेजिस्टेंस बनता है, 22000 इसका रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन सभी में पूरा कॉल साइड में इसका शॉर्टिंग हो रहा है और इधर जो 19000 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है इधर सब लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, 19000 में, 18000 इधर 18800 में कुछ बन रहा है, उसके बाद 18500
उसके बाद 18,300, उसके बाद 18,000 में इसका सपोर्ट बनता है, उसके बाद 17,500 में इसका सपोर्ट है, ठीक है। और ये सब लॉन्ग बिल्डअप होके रहा है, और इधर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है, जो पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में भी इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। और इसका देखता है प्रोबेबिलिटी को, फाइल को मैंने प्रोबेबिलिटी को दिखाता हूँ। प्रोबेबिलिटी जो है इसमें देखिए, मैंने कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, डेज टू एक्सपायरेशन और करंट मार्केट प्राइस बैठा है, और इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इधर प्रोबेबिलिटी नीचे दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है, लेकिन इसका 20,000 18,000 में मैंने इसका सपोर्ट पकड़ा, इसका 18,500 का देखा तो या 19,000 का देखा तो इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने जो उधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो उधर एक्टिविटी मतलब ज़्यादा होता है, जो जिधर ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इसका पकड़ा है। इधर 18,500 का दूंगा, थोड़ा सा इफेक्ट लेने के थोड़ा सा टाइम लगता है, स्लो है, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इसका मतलब ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी का इक्वल हो गया है। इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी, लेकिन इधर 18,700 कर देता हूँ तो इसका ऊपर मतलब इसका बढ़ गया है, मतलब इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इसका और भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, गान 360 की एनालिसिस का, गान 360 के एनालिसिस में देखिए, और इधर 9388 के सपोर्ट लेने के बाद मैंने बोला था इसमें रिट्रेस होगा, तो 9261, इसके बाद 9220 के नीचे चला गया, लेकिन थोड़ा सा मैनेज हुआ है। ये 9261, 9294 में ये 9390 इसका इम्पोर्टेंट लेवल होगा, 9388 इसके बाद ये नीचे जाएगा तो ये 9107 इसका इम्पोर्टेंट लेवल होगा, 9103 इसका तो ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा। और इधर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ये 9788 के ऊपर ये 9944 तक जा सकता है। और इधर बैंक निफ्टी का देखिए, इधर 19,000 का नीचे फिर से ये पथ से ये रिट्रेस कर रहा है, 19,200 का नीचे ये रिट्रेस दिया है, मतलब क्लोजिंग दिया है इस लेवल का अंदर, इस लेवल का बीच में इसका 18,934 18,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा। और इधर मैंने एक दिन का मैंने दिखाऊंगा, तो एक दिन का लेवल आप लोग को दिखाऊंगा, तो इसमें क्या मतलब 360 मतलब गान का एंगल इसका एनालिसिस करूंगा तो क्या दिखा रहा है एक बार देख लेते हैं। तो इधर ये 9304 का के ऊपर ऊपर जाएगा, आप लोग इधर भी चेक कर सकते हैं इसका लेवल्स, ठीक है। ऑलमोस्ट ये शायद दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह में क्लोजिंग दिया है, ये 9222 में क्लोजिंग दिया है, ये 9205 में। एनीवे तो इधर जो दिखा रहा है इसका लेवल्स अपसाइड में ऐसा दिखा रहा है, और डाउन साइड में इसका जो अभी तो फिलहाल 9213 का नीचे दिख रहा है, और 9138 का नीचे आएगा तो इसका इतना लेवल तक इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। इस लेवल पे ही है, आप लोग देख सकता है डाउन साइड का लेवल पे, साइकिल में डाउन साइड का फर्स्ट साइकिल, डाउन साइड का साइकिल में ये है इसका फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल और थर्ड साइकिल भी आप लोग नोट कर सकता है, बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स एंड फ्यूचर दोनों का, ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें दिखाऊंगा आप लोग को, और जो दिखाना चाहता हूँ उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू आप लोग को दिखा देता हूँ, वो भी ये सपोर्ट लेवल स्ट्रेंथ लेवल आप लोग को जब रहेगा तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इधर देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। आप लोग देखिए ये फिबोनाची का टू रेंज और एटीआर वाला जो लेवल्स है, ये वाला लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है, और इसके ये वाला लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है, ये जो ग्रीन साइड का लेवल्स है, ये बाई साइड का लेवल्स है, और सपोर्ट रजिस्टेंस और रेड साइड का सपोर्ट का रजिस्टेंस लेवल्स है, वो आप लोग नोट कर सकता है। और एक मिनट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका भी आप लोग नोट कर सकता है 7 डेज का हिसाब से, आप लोग ऊपर वाला हेडिंग नोट कर सकता है, वीडियो पॉज करके भी देख सकता है, इधर से ट्रेंड भी देख सकता है,
इधर क्या ट्रेंड दिखा रहा है, आप लोग को इसमें पता चल जाएगा। और देखिए जो ऑल्ड मार्केट का जो स्थिति है, क्या स्थिति है, आप लोग को एक बार साथ एक बार शेयर करके के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसका मार्केट का दिशा में थोड़ा सा मतलब आ जाता है। तो इसमें देखिए ये भी लोअर ब्रैकेट में है, जो एजिक्स निफ्टी का जो है ये लोअर ब्रैकेट में है 0.65 का, इसका ऑलमोस्ट 0.65% चेंज आया है। तो मतलब ये थोड़ा सा ये 9179 तक लो हुआ था, तो रात तक या कल का देखना पड़ेगा। लेकिन एक जो वर्ल्ड मार्केट जो है, तो मतलब डो जोन्स और डैक्स ये सब आप जो जानता है, तो ये थोड़ा सा ग्रीन दिखा रहा है। तो इसमें आप लोग को मतलब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, तो इसीलिए मार्केट का थोड़ा सा ये मार्केट मतलब पुशअप भी थोड़ा सा कर सकता है। ये जो है अब लोग को डो जोन्स, नैसडाक, S&P, FTSE, डैक्स ये सब थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है। और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर गया है, इसका इम्प्लीकेशन है कि इसका नीचे जाने का दर्शाता है। और वर्ल्ड मार्केट्स का मैंने देखता हूँ इसका क्या होता है पिक्चर। देखिए इधर थोड़ा सा ग्रीन है, लेकिन एशियन मार्केट में थोड़ा सा ये हैंगसेंग थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी और निफ्टी का थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है। और इधर डॉलर इंडेक्स तो ऊपर गया है, इधर गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा पड़ा है, लेकिन सिल्वर का प्राइस बढ़ा है और क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ा है। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आता आएगा, हो सकता है थोड़ा सा पुशअप करेगा, लेकिन मैंने नीचे एसजीएक्स निफ्टी को नीचे ही है, लेकिन नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट जो है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट जो है, अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट आ सकता है नीचे जाने का, और ऊपर जाने का मतलब साइडवेज मूवमेंट दिखने का मिलेगा, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिलहाल यही ख़त्म करता हूँ, बीच में बाद में आऊँगा रात में बाय सेल लेवल्स लेके, तब और भी बाय सेल लेवल्स आप लोग को दिखाऊँगा निफ्टी बैंक निफ्टी का और इक्विटी बैंक इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स का। तो तब तक के लिए धन्यवाद।